अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो होगी कंप्लीट ए टू जेड बैक लिंकिंग के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप वेबसाइट लेते हैं तो उसकी एसईओ बेसिक करनी होती है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करने होते हैं। उसके बाद जो अगला काम होता है, हमारी वेबसाइट 3-4 माह या 5-6 माह के लिए चली जाती है गूगल सैंडबॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से वो रैंक नहीं करती। तो आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी वेबसाइट 1-2 माह के अंदर सैंडबॉक्स से निकल जाएगी और रैंक भी करना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज की टेस्ट सब्जेक्ट जो वेबसाइट है वो ये है। तो सबसे पहले जो लोगों को परेशानी होती है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि सबसे पहले वेबसाइट के साथ करना क्या चाहिए, जब उन्हें न्यू वेबसाइट हो कैसे करनी है बैक लिंकिंग। तो सबसे पहले हमने ना वेबसाइट को ब्रांड बनाना होता है कि हम उसका नाम गूगल के ऊपर लिखें तो वो शो होने लग पड़े, उसको ब्रांड बनाना होता है। तो हम ये ब्रांड किस तरह बनाते हैं? ब्रांड हम इस तरह बनाते हैं कि हमने जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, सब के ऊपर अकाउंट्स बनाने होते हैं अपनी डोमेन के, YouTube के ऊपर भी। इस चीज़ के लिए हम एक वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं नो इवन। इधर आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है और चेक इट पे क्लिक कर देनी है। तो ये चेक करेगा इन सब वेबसाइट्स के ऊपर और आपको बताएगा कि कौन कौन सा एग्जैक्ट URL अवेलेबल है, और आपने इन सब के ऊपर जाके साइन अप कर लेना है। अब फेसबुक के ऊपर लिंक्स कहाँ कहाँ पे बनाने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे आने चाहिए, आपकी पर्सनल वेबसाइट आपने यहाँ ऐड करनी है और उसका एक पेज बनाना है वेबसाइट का, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट का। तो उसका लिंक आपने ऐड करना है यहाँ पर। ये जब आप पेज क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने लिंक कहाँ ऐड करना है और यहाँ पे करना है। और एक और बात, जो भी आपकी वेबसाइट हो वो आपने अपने पेज के ऊपर शेयर करनी है, उसकी हर पोस्ट शेयर करनी होती है। उसके अलावा आपने ट्विटर का अकाउंट बनाना है एक अपनी वेबसाइट के लिए, उसका URL यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद गूगल प्लस में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद YouTube का लिंक यहाँ पे ऐड होना चाहिए, और ये किस तरह होना है, ये किस तरह होना है, कस्टमाइज चैनल, एडिट लिंक्स, और यहाँ पर लिंक्स ऐड कर देने हैं। फेसबुक पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस, सब के लिंक्स ऐड कर दें। और उसके बाद आपने यूट्यूब पे भी अपने आर्टिकल्स के रिलेटेड वीडियोस बनानी है, और अगर ये वीडियोस नहीं बनानी आती तो आप जिस तरह मैंने बनाई हैं ये लूमिया एक है, लूमिया 5, इसके ज़रिए हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये वीडियोस बनाता है, और ये बहुत सिंपल है। इस पर सर उसामा यूब ने पहले एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, तो ये हो गए। उसके बाद चलते हैं पिंट्रस्ट के ऊपर। पिंट्रस्ट के ऊपर आपने एक ब्रांड चैनल बनाना है अपनी डिस्क्रिप्शन में, इसे सेव करना है चैनल को, और उसके बाद क्लेम करनी है अपनी इधर डोमेन, ये भी हो गई।
उसके बाद गूगल वेब मास्टर्स और बिंग वेब मास्टर्स का तो उम्मीद है आपको पहले ही पता होगा, इन पे भी वेरीफाई करवानी है, ये उम्मीद है कि आप खुद ही कर लेंगे, या मैं इसके ऊपर एक और अलहदा ट्यूटोरियल बनाना है फ्यूचर में मैंने। उसके अलावा फ्लिकर, ओके अब अपलोड करते हैं फोटोज। फोटो सेलेक्ट करें, यहाँ पे लिखते हैं यूआरएल, आ गए यूआरएल। ये देखें ये लिंक ऐड हो गया, अब चलते हैं आगे। ट्विटर पर भी पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब हो गया, अब रेडिट। रेडिट पर आप सिंपल शेयरिंग कर सकते हैं प्रोफाइल वगैरह। इस तरह ये अब आप प्रोफाइल पे शो होगा। अच्छा उसके बाद फ्लिकर हो गया, अब लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप इधर ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। वेबसाइट लिंक ऐड करना है और ये भी हो गया। उसके बाद आपकी जो भी पोस्ट हो आपने वो भी यहाँ शेयर करनी है। अच्छा जी लिंक्डइन भी हो गया। इस तरह आ गए, अब दूसरी वेबसाइट्स भी हैं डेली मोशन वगैरह। ये भी सारी लिस्ट बनी हुई है। अब आगे चलते हैं स्टंबल अकाउंट पे। यहाँ पे लिंक डाल दें आर्टिकल का,
ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं स्कोप डेट आईटी पे। यहाँ पे भी ऐड कर दें। यहाँ पे टैग्स लिख के पब्लिश पे क्लिक कर दें। ये भी हो गया पब्लिश। आगे ये अबाउट डॉट मी, यहाँ पे डोमेन का नाम, इधर फोटो ऐड कर दें। यहाँ पे डोमेन का नेम ये डिजाइन सिलेक्ट कर दें। अच्छा जी, पासवर्ड और द रिपोर्ट शो माय पे। ये भी हो गया जी, पेज क्रिएट हो गया। अब आगे ये भी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर क्रिएट किए जा सकते हैं। ये ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स, ये कुछ और वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, व्यू प्रोफाइल,
यहाँ पे आप अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल्स को भी लिंक दे सकते हैं, बायो में लिखे हुए योर लिंक्स में, और उसके बाद से एक लिंक ऐड हो गया। अब आगे आगे चलते हैं गिटहब। ये प्रोफाइल बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये हर न्यू वेबसाइट के लिए क्रिएट करने हैं। और जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इन्हें आर्टिकल्स के लिए क्रिएट करते हैं। ये आर्टिकल के लिए नहीं, ये आपकी मेन डोमेन के लिए होते हैं, उसकी अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए, उसको गूगल में ट्रस्ट प्रति शो करने के लिए होते हैं ये। अच्छा, उसके बाद इधर आपने ऐड किया गिटहब में, और गलती से कभी भी किसी आर्टिकल को नहीं देना, नहीं तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा आर्टिकल, किसी आर्टिकल को आपने ये प्रोफाइल बैकलिंक्स दिए तो। यहाँ पे साइन अप करें, शायद पहले ही साइन अप किया है। अच्छा जी, प्रोफाइल ओपन की और यहाँ से एडिट प्रोफाइल। से सेव, ये हो गया जी सेव। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं एकेडमिया से लेंगे आप। लॉगिन करें, साइन अप करना तो उम्मीद है आप सबको आता ही होगा। चलो जी साइन अप कर लें। यहाँ पे ये रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर दें, कोई भी डॉक्यूमेंट। कंटिन्यू। अच्छा जी, ये क्रिएट हो गया। आप इधर इधर लिखा आपने डोमेन का नेम, ये हो गई क्रिएट, और इधर आ जाएगी। अब ये आ गया होम पेज, चलो ये भी हो। अच्छा, इस तरह करके ये अगर आपने 100 भी क्रिएट कर लिए ना, तो उम्मीद है कि आपकी वेबसाइट जो है ना पूरी डोमेन है गूगल के अंदर ट्रस्टेड डोमेन शो होगी।
प्रोफाइल पे जाए, यहाँ पे फिल कर दें एंड वेबसाइट्स, यहाँ पे अपनी डोमेन का यूआरएल ऐड कर दें। अच्छा जी, ये होगी सेव, ग्रेविटार भी हो गया। अब चलते हैं डिस्कस के ऊपर। लॉगिन करेंगे, अच्छा जी, हेडर प्रोफाइल पे गए और ये रही आपकी वेबसाइट, और यहाँ पे आप ऐड कर देंगे अपनी वेबसाइट। उसके बाद आप चलें यूडीमी के ऊपर, यहाँ पे गए और यहाँ पे ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट, सेव। उसके बाद गए कोड एकेडमी के ऊपर, या लॉग इन, माई प्रोफाइल एडिट, और यहाँ एंटर किया अपने डोमेन और अपडेट प्रोफाइल, ये भी हो गया। अब आगे टैग के ऊपर चलते हैं जी। सॉरी, टैग हो गया पहले। साउंड क्लाउड, चलें प्रोफाइल के ऊपर और करें एडिट, अलीम इस्लामाबाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, चलो यार सऊदी अरब से करें वेरीफाई, ये हो गया वेरीफाई। अब चलते हैं दोबारा एडिट के ऊपर और उम्मीद है इस दफ़ा हो जाएगा। ऐड लिंक, शुक्र है हो रहा है, और इधर टाइटल लिख दें और आपकी बहुत मेहरबानी, हो गया प्रोफाइल बैकिंग। थोड़े से और क्रिएट करते हैं, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, इनको स्किप नहीं करना, बैकलिंक्स बहुत ज़रूरी हैं। प्रोफाइल के नो फॉलो समझ के भी नहीं करना, ये नो फॉलो भी बहुत कीमती हैं आपकी वेबसाइट को ब्रांड बनाने के लिए। अगर इसको स्किप कर दिया और डायरेक्ट डू फॉलो पे रखा तो रिजल्ट ये निकलेगा कि वेबसाइट हमेशा के लिए बैन हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट होंगे। ऐड अ लिंक, अपना होम पेज ऐड किया और
ये हो गया जी लिंक ऐड। अच्छा जी चलो ये होता रहेगा। फोरम्स से समय दूर ही रहता हूँ थोड़ा। मोर पे गए, लॉगिन किया अपनी प्रोफाइल। कम्युनिटी प्रोफाइल, एडिट योर प्रोफाइल। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया। यहाँ पे सोशल लिंक्स ऐड करने हैं तो वो भी कर दें। और फिर सेव। ये हो गया ऐड। अच्छा जी आगे स्लैश डॉट इसका सूरत हाल देखते हैं। वे ऑफ पिक्सल फोरम्स पे तो मेरा दिल है ना ही बना, फोरम्स पे नहीं ना बनाए प्रोफाइल बैकलिंक्स। ये बहुत ज़्यादा स्पैम हो गया। स्लाइड शेयर डॉट नेट अच्छा जी प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल वेबसाइट लिंक एंटर टेक्नोलॉजी सेव। कुछ लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल पीडीएफ के अंदर एंटर करके अपलोड करें। मेरे ख्याल से तो ये ट्रिक्स काफ़ी पुरानी हो गई हैं और इनका फ़ायदा नहीं रहा, बट आप अगर उन लोगों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर कीजिए। गुड रीड्स प्रोफाइल एडिट प्रोफाइल
माई वेबसाइट, ये नहीं, ये वाली सेव। विजुअली create one backlinking, काफी painful procedure है, but no money without hard work. ये sadly हमें follow करना ही पड़ता है. उम्मीद है कि आप bore नहीं हो रहे होंगे. वैसे मैं हूँ तो काफी boring, लेकिन आपकी मजबूरी है. अच्छा जी, एडिट प्रोफाइल, ओह वेबसाइट, ये सोशल मीडिया के आइकन भी कोशिश किया करें कि ऐड कर दें. सेव, ये भी हो गया. अच्छा जी, अब देखते हैं कौन सी रह गई है. रह तो काफी गई हैं, लेकिन हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट पे ध्यान रखना. प्रोफाइल, अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए करना है तो मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि हो सके तो अपनी डोमेन का नेम ही इस्तेमाल कर लीजिएगा. मैं तो अपना ओरिजिनल नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ. अच्छा जी, वेरीफाई हो गया तो अब इसे कर दें पेस्ट. और ये भी हो गया. अब लास्ट स्टेप. चलो जी, प्रोफाइल बैकलिंक्स तो काफ़ी हो गए हैं. उम्मीद है कि आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे. अब प्रोफाइल बैकलिंक से आगे क्या करना है, तो मैं अपनी बुक ओपन कर लेता हूँ बैकलिंक्स की, ताकि सॉरी मैं इसे अपनी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जिस बंदे ने बनाई है बड़ी अच्छी बुक बनाई है जी. मैं एक एक करके सारे डिफाइन करता जाऊँगा. ये जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपके दोस्त आपकी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे बैकलिंक मांगे. लोगों के साथ रिश्तेदारियां बनाएं, दोस्तियां बनाएं, उनको ईमेल पे ऐड करें, स्काइप पे ऐड करें और उनसे मांगे. क्रिएट अ ब्लॉग, मतलब वेब 2.0. वेब 2.0 पहले तो सिंपल बनाना और यूज़ करना सिस्टम था, लेकिन अब थोड़ा मामला डिफरेंट हो गया. अब
आपको ब्लॉग बनानी पड़ती है और उस पे डिफरेंट कंटेंट यूज करना पड़ता है जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट ना यूज हुआ हो, नहीं तो डुप्लीकेट कंटेंट इशू हो जाएगा और ऐसी गलती आपने नहीं करनी। मैंने लास्ट ईयर की थी तो बहुत नुकसान हुआ था। डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए और कोशिश करें कि एक्सपायर्ड यूज़ करें। वेब 2.0 में टम्बलर है, ब्लॉग स्पॉट, वर्डप्रेस और भी शायद एक दो हों, मेरी नज़र में तो ये बेहतरीन है। इन पे आप क्रिएट करें रेगुलरली, पहले तो 2-3 माह कम से कम इन पे कंटेंट पोस्ट करते रहें, फिर जाके अपनी वेबसाइट का, अब ये थोड़ी ओल्ड हो जाए तो इनकी थोड़ी अथॉरिटी भी बन जाए तो फिर आपको इनसे बैकिंग लेना, उससे पहले नुकसान भी हो सकता है। RSS फीड ये भी पुराना हो गया है, और इंटरनल लिंकिंग सबसे बेहतरीन तरीका है बैकलिंक लेने का। अगर आपकी एफिलिएट वेबसाइट है तो आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखें। एफिलिएट पे असल में मसला ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बैकलिंक देना पसंद नहीं करते, तो आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखें और इंफॉर्मेशनल को लिंक करें अपने एफिलिएट आर्टिकल के साथ, और कोशिश करें कि वो सॉरी वो मैं बात कर रहा था साइलो स्ट्रक्चर की, मेरे जहन से लफ्ज निकल गया था, वो मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूँ। साइलो स्ट्रक्चर में ये होता है कि आर्टिकल आपस में लिंक होते हैं, तो वो लिंक जो जूस जो होता है वो आपस में फ्लो करता रहता है। ये मिसाल के तौर पर पहला ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये सारे आपस में लिंक होंगे, फिर ये सारे आपस में, फिर ये सारे आपस में, फिर ये सारे आपस में, फिर ये, फिर शुरू से वन में, इस तरह ये एक लूप से क्रिएट हो जाती है इंटरनल लिंकिंग की, और ये सारे आपस में ही लिंक शेयर हो जाते हैं। लिंक आउट करें, अगर आप दूसरी वेबसाइट को लिंक देंगे तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज आपको लिंक बैक भी करेंगी। ईजियर टू लिंक करें अपने आर्टिकल्स के नीचे, HTML का कोड बना दें जिसको कॉपी करके लोग आपको लिंक कर सकें, और प्रोफाइल लिंक्स जो आपने अभी देखे जो हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किए हैं, और कॉम्पिटिटर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट। अब मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है gamesolutions.com, मैं अब जाऊंगा Ahrefs में, इसमें एंटर करें डोमेन नॉट अबाउट। अब आपने क्या करना है कि रेप्लिकेट करना है। अब ये विकिपीडिया का बैक लिंक है, तो विकिपीडिया से लेने का प्रोसीजर ये है कि आपकी डोमेन थोड़ी काफ़ी हद तक पुरानी हो, सॉरी आपका यूज़र, तो आपने अगर दूसरों के लिए किए हों, ये बैकलिंक्स मैंने खुद ही क्रिएट किए थे, तो अगर आपको थोड़ा पुराना हो और आपकी थोड़ी कंट्रीब्यूशन वगैरह भी हों तो फिर आप आराम से एडिट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ये मुश्किल काम नहीं होता। उसके बाद ये सारे स्कॉलरशिप बैकलिंकिंग पे मैंने एक पूरा टोटल A to Z प्रोसीजर बनाया है, वो भी मैं पोस्ट कर दूँगा, बल्कि ऑलरेडी पोस्टेड है, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद ये वेबसाइट इससे लिया गया है जी, कमेंट्स बैकलिंक, तो इधर मैं भी कमेंट करके बैकलिंक ले सकता हूँ इनके किसी लेटेस्ट आर्टिकल के ऊपर। अच्छा जी, और उसके बाद रेडिट पे भी ले सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। मी टूल्स सबसे इंटरेस्टिंग, मी टूल्स आपको प्रोवाइड करता है डू फॉलो बैकलिंक,
और हम इस पे करेंगे क्रिएट अकाउंट, और याद रखें ये मैं आपको बैकलिंक रेप्लिकेट कराना, मतलब आप मतलब के अपने कंप्यूटर की वेबसाइट के बैक लिंक को जहाँ से उसने बनाया उसको अपना बनाना सिखा रहा हूँ। लोकेशन में इस्लामाबाद, वेबसाइट ये नहीं ये वाली, यहाँ पे और व्हाट्स द नेम ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, और ये मोर टूल्स ही है। ये हो गया है सक्सेसफुली क्रिएटेड, और एज यू कैन सी इट्स अ कंप्लीट डू फॉलो बैकलिंक, यहाँ पे नो फॉलो नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि डू फॉलो। अच्छा तो ये स्कोप डॉट आईडी का बता दिया है, DMCA का बैकलिंक लेने के लिए आपको उनका टैग यूज करना पड़ता है। और ये विकिपीडिया से बैकलिंक का भी बताया है, ये स्कॉलरशिप बैकलिंक के है और रशियन को तो आप रहने ही दें, और इन वेबसाइट से लेंगे अब हम। ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है, और यहाँ पे करेंगे लॉगिन, यहाँ पे जाएंगे कैटेगरी में गेमिंग, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू टॉपिक, और यहाँ पे लिखते हैं अपने आर्टिकल का टॉपिक, और यहाँ से करूँगा मैं लिंक। इमेज URL अच्छा जी, समेत और आर्टिकल का
जैसा कि आप देख सकते हैं ये डोफोलो है और रेलिवेंट भी है क्योंकि ये गेमिंग सेक्शन में पोस्ट हुआ है। अब ब्लॉगिंग जेडा अच्छा जी वेलकम अली इकबाल यहाँ पे करें सबमिट योर ब्लॉग और डोमेन का नाम इंग्लिश गेमिंग लोग सबमिट हो गई है। अच्छा जी ये आपको पोस्ट करना होगा। असल में ये मसला है लोग सबमिशन वेबसाइट्स चाहती हैं कि आप उनको बदले में भी कुछ प्रोवाइड करें। आगे ये वेबसाइट है ये भी डोफोलो लिंक प्रोवाइड करती है। अच्छा जी अकाउंट सेटिंग्स में जाएं और सेव चेंजेस कर दें और ये भी डॉग फॉलो लिंक मिल गया। n4g.com इंटरेस्टिंग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं आप। किसी और वेबसाइट पर देखते हैं gamingscan.com अच्छा जी 34,000 बैकलिंक्स अब हम दूसरे कॉम्पिटिटर को करेंगे। आप पहले 10 कॉम्पिटिटर्स को करें तो उम्मीद है कि आप
रैंक कर जाएंगे। इसमें बैकलिंकिंग इतनी मुश्किल है नहीं जितने लोगों ने इसे कह कह के बना दिया। ये मेरी नज़र में तो रेप्लिकेट करना जो है ना ये सबसे आसान तरीका है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपको समझने में। यहाँ पे गर्ल्स ऐड कर दें, क्रिएट अ गाइड। अच्छा जी, हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अपने लिंक्स इनपुट कर दिए हैं। ये पहला रेप्लिकेट हो गया। अब इधर से अच्छा जी,
अच्छा जी, अच्छा ये रिव्यूज में है मेरे ख्याल से। ठीक, इसका रिव्यू लिखेंगे और इनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो उम्मीद है कि ये आपको बैक लिंक पैक करें। इंटरेस्टिंग आइडिया, काफी अच्छा तरीका। स्कॉलरशिप ऑलरेडी बता दिया है, और ये भी स्कॉलरशिप रिलेटेड है। विकिपीडिया, कुछ बैकलिंक्स के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है ओनर से। इस तरह ये भी काफ़ी बैकलिंक्स इस तरह के हैं कि जिनके लिए इन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, उम्मीद है इसके भी काफ़ी हद तक समझ आ गया होगी। सॉरी मैंने आपको काफ़ी टाइम भी वेस्ट कर दिया। रिसोर्सेज लिंक, ये इसके लिए आपको गूगल डॉक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर इन्होंने डायरेक्टरी बनाई है, तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि ये आपका वो लिंक इधर ऐड कर दें। कॉन्टेक्ट अस पे जाके उन्हें कहेंगे कि आप प्लीज़ रिसोर्सेज में हमारा लिंक पे ऐड कर दें। उसके बदले वो या तो फ्री में एंटर कर देते हैं या आपसे पैसे लेंगे, सबमिशन बेस्ड। अच्छा जी, ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है जहाँ पे मैं सबसे पहले ज़्यादातर बैकिंग यहाँ से लेता हूँ जब मैं डूफॉलो शुरू करूँ तो। सबमिट योर वेबसाइट पे जाएं, रजिस्टर करने के बाद सबमिट नाउ, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखें, यहाँ पे उसका यूआरएल लिखें, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका तरीका ये है, प्रिंट स्क्रीन आपके कीबोर्ड के ऊपर है, उसको प्रिंट करें। प्रिंट
पेंट में जाएं और इधर से हमें 770x470 चाहिए, तो हम अपने वेबसाइट का 770x470 ना कम ना ज़्यादा कर देंगे 470। हाँ, वैसे मैं इस काम के लिए लाइट सूट इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा जी, शुक्र है, हो गई। सॉरी, काफी टाइम लग गया। अपलोड टेक्नोलॉजी, कलर सेलेक्ट कर दें आपकी वेबसाइट का, यहाँ पे सोशल मीडिया, फेसबुक यूआरएल, ट्विटर यूआरएल, ये ऑप्शनल हैं, ये जिनके साथ ये हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे अलीम इकबाल, यहाँ पे भी वेबसाइट का यूआरएल, कंट्री पाकिस्तान, और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको डोफॉलो में बैकलिंक मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्टिंग जो पहले हुई हैं। अच्छा जी, ये मेरी सबसे पहले लिस्टिंग है, आज से 2 साल पहले। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं डोफॉलो, ये भी हो गया। सबमिशन डायरेक्टरीज और भी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टरीज हैं, वो सारी लिस्ट इधर पड़ी हुई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, अगर आपने करनी हो तो कर सकते हैं। वेबसाइट सबमिशन, ब्लॉग डायरेक्टरीज आ गई। अच्छा जी, आर्टिकल डायरेक्टरीज, ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आप आर्टिकल पेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये एजाइन आर्टिकल है, यहाँ पे आप अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं।
ब्लॉग डायरेक्टरी जैसे altom.com यहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट पेस्ट कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, अगर आपने स्कॉलरशिप लिंक बिल्डिंग का नहीं पता तो मैंने आपको बैक लिंक्स कर दिखाए हैं, टोटल 20 के करीब हैं बैक लिंक्स, तो उसके लिए मैंने उसके लिए एक वीडियो है हाउ टू बिल्ड एडियो बैकलिंक्स स्कॉलरशिप, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और इसमें मैंने दिखाया था कि मैंने किस तरह ये सारे बैकलिंक्स लिए थे स्कॉलरशिप। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, इससे भी मेरे टूल के ज़रिए आप किस तरह स्कॉलरशिप बैकलिंक कर सकते हैं। और ये कंपनी डायरेक्टरी सबमिशन और ये CSS HTML5 डायरेक्टरीज, ईबुक डायरेक्टरीज और वेब डायरेक्टरीज, इंफोग्राफिक की लिस्ट भी है, लोगो डिज़ाइन, मोबाइल ऐप, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट जैसे स्क्राइब डिस वगैरह है, इन पे भी आप कर सकते हैं सबमिट। मैं अपना लिंक वगैरह ऐड करके नीड स्पेसिफिक डायरेक्टरीज, नॉन इंग्लिश डायरेक्टरीज, पे डायरेक्टरीज, प्रेस सबमिशन डायरेक्टरीज, उसकी लिस्ट भी पहले इधर है वेबसाइट पे, आप कर सकते हैं प्रेस लिस्ट, RSS डायरेक्टरीज यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, थीम, यूज़र रेटिंग, वीडियो सबमिशन, यूट्यूब, डेली मोशन, वीमियो वगैरह, वेब 2.0, हब पेजेस और दूसरी वेबकैम डायरेक्टरीज, चलिए उस तरह करके इंटरव्यू दें, गेस्ट, हाँ गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। उन्हें कॉन्टेक्ट करें, फिर ज़्यादातर लोग पेमेंट मांगते हैं, मैं तो ज़्यादातर पेड गेस्ट पोस्ट पाए करता हूँ, ग्रुप ज्वाइन करके गेस्ट पोस्ट के, तो उनमें अगर गेस्ट पोस्ट चाहिए तो उधर पोस्ट कर देते हैं कि जी ये गेस्ट पोस्ट हमें इस नीच में चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो $10-$20 की सेल कर देते हैं। और ईमेल डायरेक्टरीज इस तरह करके TCTC ये सारी लिस्ट है काफ़ी लंबी। उम्मीद है कि आज के शो ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी लंबा भी है, सॉरी उसके लिए। तो यही सारी चीज़ें थी, सबसे मेन पार्ट जो है वो ये है कि आप अगर कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल रिसर्च करेंगे तो उम्मीद है वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स मिल जाएंगे। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सके उतना किया है, अगर आपको बीच में से कोई चीज़ रह गई हो तो सॉरी उसके लिए माफ़ कर देना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर वॉइस कम आ रही हो तो प्लीज़ इसे डाउनलोड करके VLC में प्ले करें, और YouTube पे चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लें, उम्मीद है कि आपको दूसरे ट्यूटोरियल भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह, और वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।